दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। ये वाला रास्ता थोड़ा जंगलों से होकर जाता है, हमने यहीं से एंट्री लिया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलता है। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला होते हुए, जहाँ पे हमें करनी है कैंपिंग। तो अभी हमने ले रखी है कैंपिंग, तो मैं ये सुबह सुबह में आता हूँ। आज 7 बज रहे हैं टाइम, और हम रात में पहुँचे थे। हमने शिवपुरी में कैंप लिया था जो मैं 1200 रुपये का पड़ा था। ये पूरा हमारा जो कैंप है शिवपुरी का, यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा, सामने अपना बीच है और ये सारे टेंट हैं, इसमें मैंने एक ले रखा है। और रात में हमने यहाँ पर खूब मस्ती करी है दोस्तों। यहाँ शिवपुरी में मेरा जो कैंपिंग करने का रीज़न था वो सिर्फ यही था क्योंकि यहाँ पे बीच था, और यहाँ पे आपको नहाने वगैरह के लिए स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है, DJ वगैरह भी लगता है। ये कैंप हमें 1800 रुपये में पड़ा था दोनों के लिए। अगर आप ज़्यादा ग्रुप में लोग हैं और राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं तो आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश विजिट करने जाएँ या घूमें या आपको एंजॉय करना है तो आप शिवपुरी में कैंप लें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बीच का। यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैंने यहाँ पे पूरा एक दिन गुजारा है। अभी शाम को अभी हो रखी है, अब हम कल सुबह निकलेंगे यहाँ से नीलकंठ के लिए। तो दोस्तों मेरी मानो, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो आपको शिवपुरी में ही कैंप लेना चाहिए। पूरा पैकेज मिल जाता है आपको राफ्टिंग वगैरह के साथ। ठीक है दोस्तों, बढ़े रहिए मेरे चैनल पे, आगे मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। दोस्तों ये दूसरा दिन है हमारा ऋषिकेश में। हम नीलकंठ जा रहे थे तो हमें नीचे बड़ा प्यारा नज़ारा दिखा, तो हम गाड़ी रोक के नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखने वाला है। अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ अपने गिम्बल से बना रहा हूँ, जो मैंने अपनी आप चैनल से देखूँगी इसकी वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये थोड़ा सा जंगल टाइप का है, थोड़ा रास्ता भी ख़राब है। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, उसके बाद वहाँ की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरी। उसके बाद ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं आपको नीलकंठ का जो है वो आपको नीलकंठ Part 3 में दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप ये वीडियो पूरी इंजॉय करें, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, उसका जवाब दूंगा। ये अपना डबाज भाई आ गया फुल स्वैग में, हम नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा वो नहीं करा क्योंकि आप एक एक चीज़ देखें, ये देखिए बड़ा ही प्यारा नज़ारा, मुझे नहीं पता ही क्या है यार, यहाँ से कहीं वो ना निकला है जानवर वगैरह। तो ठीक है, अब आगे बताता रहता हूँ मैं आपको। ये देखिए रेत का थोड़ा सा नज़ारा दिखता होगा हमें। तो देखो यार बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, सामने गंगा मैया बह रही है आराम से, बड़े ही, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मैं यहाँ पे टाइम बिताऊँगा यार, मैं यहाँ पे कम से कम आधा एक घंटा तो बैठूँगा ही दोस्त के साथ। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, ये देखो यार, वाह यार। आपको अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको यहाँ पर आना है, एक एक चीज़ घूमनी है। ऐसा नहीं है कि आप आए ट्रैवल किया घूमे चले गए, आप फील करो नेचर। ये देखो यार बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा।
जंप करो में देखते हैं नीलकंठ पार्ट 3 में। बाकी आप इंजॉय करते रहिए वीडियो।